आसमां देखो ना, अब तो मुझे मेरी खुशबू से भी नहीं पहचानता। आलिया क्या कर रही है? अम्मा तो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ, कैसे कर सकता है? मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। इस वक्त मैं मान करूंगी तुम्हें, तूने मुझे नहीं छोड़ा। अरमान फंसा आलिया के जाल में। तो भाई हमने देखा उदारिया के एपिसोड में कैसे अरमान और आलिया एक साथ रोमांस करते हुए दिख रहे हैं, और मुझे तो ना कहीं कहीं ये लग रहा है कि शायद ये आलिया की कोई चाल है, क्योंकि अरमान हम देख रहे थे ना कितना ज़्यादा बदल गया है, और वहीं पर आसमा भी शायद लग रहा था कि अरमान को अब माफ़ कर देगी, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे वो कबीर से बचाती है, और अरमान और उसके घर वाले सारे आसमा का बर्थडे बना रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अरमान कितना एक्साइटेड था आसमा के बर्थडे के लिए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही ट्विस्ट है भाई, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा कि जो आलिया है वो अरमान के साथ दोबारा दिखेगी, और वो भी एक साथ रूम में है वो लोग अकेले, और वहां से दूर से आसमा देख रही है उन दोनों को, और आलिया बड़ी अलग नजरों से देख रही है, और उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद अरमान को कुछ उसने बेहोशी की या नशे की कुछ दवा दे दी है, ऐसा कुछ ड्रिंक पिला दी है उसको, कि हो सकता है अरमान को होश नहीं हो, क्योंकि उसमें ऐसी लग रहा है कि अरमान को होश नहीं है, वो जान पूछ के नहीं कर रहा है। ये आलिया की कोई चाल हो सकती है आसमा से दूर करने के लिए, तो ये तो देखना होगा। वैसे हम बात करें अगर कबीर की, तो भाई कबीर को तो ये मौका मिल गया। कबीर तो काफी दिनों से देख ही रहा था ना कि कैसे अरमान उसकी जिंदगी से चला जाए और आसमा के वो करीब आ जाए, और आसमा को तो वो बिल्कुल मतलब पागलों की तरह प्यार करता है, तो अब ये कबीर के लिए बहुत अच्छा मौका है आसमा के पास आने का, और हो सकता है अब घर वाले शायद बोले कि आसमा से कबीर के साथ शादी के लिए, ये भी हो सकता है, क्योंकि अब ये जो आसमा देखेगी ना आलिया और अरमान को, तो वो उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज अभी ये लग रहा था ना कि शायद अब अरमान उससे प्यार करने लगा है और आसमा कहीं ना कहीं अब उसको माफ भी कर देगी, क्योंकि उसके घर भी आ जाती है। तो मैं तो यही सोचने वाली थी कि शायद अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी दिखने वाली है, बॉन्डिंग हो जाएगी, और आलिया इनकी जिंदगी से दूर चली जाएगी, लेकिन ये तो कुछ अलग ही ट्विस्ट हो गया। आलिया भाई पीछा ही नहीं छोड़ रही है अरमान का, और अब आसमा देखते हैं कि क्या स्टेप उठाती है, क्या घर वालों को बताएगी वो, या वो फिर ऐसा कुछ होगा, या हो सकता है वो हरलीन के पास कनाडा वापस चली जाए, क्योंकि हरलीन भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है आसमा का। उसने बोला भी था कि हरलीन ने कि आलिया बहुत तेज लड़की है, और तुम आलिया और अरमान की बातों में मत आओ, मत उनके पीछे जाओ, और कनाडा मेरे साथ ही रहो। तो हो सकता है कि इन सब चीजों को देखकर आसमा दोबारा वापस कनाडा चली जाए।